हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार बैंको करियर एकेडमी सीकर से हैं। अपन ने पिछली एक क्लास में टाइम एंड वर्क का वीडियो डाला था, उसमें अपन ने जो है वो टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन जो है वो अपन ने किए थे। उसके आगे के क्वेश्चन जो है वो अभी अपन देखते हैं। क्वेश्चन एक जो है वो टाइम एंड वर्क का अपन लेते हैं कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। आपको ये बोला गया है कि ए प्लस बी दोनों ने साथ में काम शुरू किया और 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि शेष काम में बी को कितना समय लगा, शेष काम में बी को कितना समय लगा, ये आपसे पूछा गया समय लगा। तो सबसे पहली बात ये है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी कितने दिन में, 15 दिन में। आपको ये बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया तथा कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। आप सबसे पहले 10 और 15 जो आपका दे रखा है उन दोनों का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप इसलिए लेंगे क्योंकि ए जो है उसी काम को 10 दिन में करता है और बी कितने दिन में, 15 दिन में। तो आपको ये देखना है कि वो काम जो है वो इक्वली है दोनों में, ए काम करता है तो भी काम समान है और बी काम कर रहा है तो भी काम समान है। तो आप एक ऐसी वैल्यू लेके आए जो ए से भी पूरी कट जाए या ए के मान से या 10 से भी पूरी कटे और 15 से भी पूरी कट जाए। तो इसके लिए अपन जो है वो सबसे पहले 10 और 15 जो आपका दे रखा है उसका एलसीएम लेंगे। और किसी भी वैल्यू का अपन एलसीएम लेते हैं, जैसे एलसीएम मैं ले रहा हूँ 10 और 15 का, तो एलसीएम अपन लेते हैं। तो आप जो है वो यहाँ पे बोलेंगे कि एक नंबर आपका दे रखा है 10 और दूसरी वैल्यू आपकी दे रखी है 15। इन दोनों में से कॉमन नंबर अगर मैं देखूँ तो कॉमन नंबर आपका दे रखा है 5, तो यहाँ पे 5 से मैं 10 को डिवाइड करूँगा तो आपका मान आएगा 2, और यहाँ पे मैं 15 से डिवाइड कर दूँ तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ये आपका मान आया। इन दोनों में से अगर मैं इधर 2 को ले आऊँ तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 और ये आपका मान आएगा 3, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू 3 ले लूँ तो ये आपका मान आएगा 1 और यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। अब एलसीएम आपको लेना है तो देखो आपके जो फैक्टर बने इन दोनों वैल्यू के वो आपका बन गया 5, 2 और 3। मल्टीप्लाई कर दूं मैं 5 को 2 से तो आपका मान आया 10, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू कितनी आएगी, 30। तो आप ये बोलेंगे कि जो टोटल वर्क आपका दे रखा है वो कितने यूनिट दे रखा है, 30 यूनिट। ए जो है वो 30 यूनिट काम करता है तो उसको लगते हैं 10 दिन, और बी जो है वो 30 यूनिट काम करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं, 15 दिन। आप एक बात बताएं, ए जो है वो 30 यूनिट काम करने में 10 दिन का समय लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप बोलेंगे जो आपका 30 दे रखा है उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, क्योंकि 30 यूनिट काम में कितने दिन ले रहा है, 10 दिन। तो एक दिन में जो काम करेगा वो 3 यूनिट काम होगा। आपको बोला जा रहा है कि बी जो है वो 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो मैं 30 को डिवाइड कर दूँ 15 से तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 यूनिट। तो आप बोलेंगे ए जो है वो यहाँ पे काम करता है 3 यूनिट और बी कितना काम करता है, 2 यूनिट। दोनों मिलकर जो है वो कितना काम करेंगे, तो आप बोलेंगे 3 + 2 तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट काम होगा, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया तथा कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब दोनों ने 2 दिन तक साथ में काम किया, अगर दोनों एक दिन साथ में काम करते हैं तो 5 यूनिट काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 10 यूनिट। टोटल 30 यूनिट काम था, 10 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना, 20 यूनिट, ये काम जो है वो रिमेनिंग रह गया। आपको ये बोला जा रहा है शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष काम कितना हुआ भाई, 20 यूनिट। आपको पूछा जा रहा है कि बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2 इकाई, तो इसको 20 में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे 20/2 तो आपका मान कितना जाएगा, 10 दिन, ये आपकी वैल्यू आई, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका मान आ गया। तो कहने का मतलब क्वेश्चन आपका ये था कि ए तथा बी पर्टिकुलर किसी काम को करते हैं तो 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम जो है वो बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले आप ए और बी का जो है वो यहाँ पे काम निकालेंगे। ए और बी का काम कैसे निकालें, आप जो है वो ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में, आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क आपने लिया 30 यूनिट, 30 यूनिट काम जो है वो ए 10 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में करेगा 3 इकाई, 30 यूनिट काम जो है वो बी 15 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में करेगा 2 इकाई,
अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये करेगा तीन इकाई, ये कर रहा दो इकाई, तो तीन प्लस दो कितना मान हो गया भाई, पाँच यूनिट। एक दिन में पाँच यूनिट करेंगे तो दो दिन में कितना हो जाएगा, दस यूनिट। दस यूनिट काम जो है हो गया, तो तीस में से दस यूनिट काम हुआ तो बचा कितना, शेष कितना रहा, बीस यूनिट। एक काम छोड़ देता है तो काम करेगा कौन, बी। बी एक दिन में कितना काम करता है, दो इकाई, तो बीस में इसको कितना समय लगेगा, 20 बटे हुए दो, तो आपका मान कितना जाएगा, 10 दिन। तो कहने का मतलब अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो आप जो है वो सबसे पहले इन दोनों की आप जो है वो टोटल वर्क निकालेंगे, वर्क निकालने के बाद इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी का योग करेंगे, जितने दिन आप जो हो ये साथ में काम करते हैं उन दिनों की संख्या से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोलेंगे ये दोनों मिलकर पाँच यूनिट काम कर रहे हैं, दो दिन तक काम किया, दस यूनिट हो गया, टोटल में से आपने घटा दिया तो रिमेनिंग वर्क आपका 20 आ गया। ए और बी दोनों काम कर रहे थे जिसमें से ए ने काम छोड़ दिया तो बचेगा कौन, बी। तो बी जो है वो यहाँ पे दो यूनिट काम करता है तो 20 में इसको समय लगेगा 10 दिन। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 10 दिन। सेम जो है वो अपन एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। आपको ये बोला जाए इसी क्वेश्चन में, एक इसी काम को 10.5 दिन में पूरा करता है तथा बी जो है इसी काम को 14 दिन में पूरा करता है और सी जो है वो इस काम को 28 दिन में पूरा करता है। आपको ये बोला जा रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया तथा कार्य शुरू होने के दो दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो काम में कुल कितना समय लगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ए बी और सी इनको जो समय लग रहा है, जो इनके दिन दे रखे हैं, उन दिनों का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो होगा वो आपका टोटल वर्क होगा। देखो 10 से ही 1/2 इसको सोल्व करोगे तो 10 गुणा 2 20, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, तो आप बोलेंगे 21/2। तो ए को जो समय लग रहा है वो लग रहा है 21/2, बी का समय जो दे रखा है वो 14 दिन और सी का जो मान दिया हुआ है वो 28 दिन। एलसीएम आप लेंगे इनका, तो एलसीएम आपने लिया तो एलसीएम के लिए आपकी वैल्यू दे रखी है 21, दूसरा मान दिया 14 और तीसरी वैल्यू आपको दे रखी है 28। आप देखो 21, 14 और 28 का आपको एलसीएम लेना है। तो एक तरीका जो अपन अभी काम में ले रहे थे 21, उसके बाद 14, एक वैल्यू आपकी दे रखी है 28, इनमें से कॉमन नंबर अगर अपन निकालेंगे तो 21, 14 और 28 में से कॉमन नंबर आएगा 7, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, यहाँ पे मान आएगा 2 और ये आपकी वैल्यू आ गई 4। यहाँ से आप कॉमन नंबर निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पे मान आपका 2 आएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3, ये आपका मान आएगा 1, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 2। आप वापस दो वो 2 इधर लेके आओगे तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 3, ये आपका मान आएगा 1 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। 3 को आप इधर लेंगे तो आपका मान जो है वो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये वैल्यू 1 और यहाँ पे भी मान आपका आया 1। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं, 7 × 2 = 14 और 14 को जो है मैं 2 से गुणा करूँ तो आपकी वैल्यू आ गई 28 और 28 को 3 से गुणा करें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 28 × 2 = 56, 28 × 3 = 84। तो आपका एलसीएम जो आएगा वो यहाँ पे आएगा 84। तो आप ये बोलेंगे कि आपका टोटल जो काम दे रखा है वो 84 यूनिट दिया हुआ है। 84 यूनिट काम करने में ए को 21/2 दिन समय लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसके लिए आप सीधा बोलेंगे 84 को आप जो है वो डिवाइड कर देंगे किससे, 21/2 से। तो आपका मान जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 84/21/2, 21 से आप डिवाइड करते हो इसको तो 21 का भाग देंगे तो देखो 21 × 2 = 42, 21 × 3 = 63, 21 × 4 = 84। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 8 यूनिट। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 14 दिन में 84 यूनिट काम हो रहा है, तो 14 से आप डिवाइड करोगे इसको तो 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 6 बार डिवाइड होगा, और 28 से आप डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो देखो आपको ये बोला जा रहा है ए जो है वो किसी काम में, या ए जो है वो 8 यूनिट काम करता है, बी 6 यूनिट काम करता है और सी कितना काम करता है, 3 यूनिट। तो आप ए बी और सी की एक दिन की जो है वो यहाँ पे वैल्यू लेंगे काम के लिए, तो आप बोलेंगे देखो ए बी और सी, ए काम करता है 8 यूनिट, बी काम करता है 6 यूनिट और सी काम करता है 3 यूनिट। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 8 + 6 + 3 कितने यूनिट काम हो जाएगा, तीनों मिलकर काम करेंगे तो आप बोलेंगे 8 × 6 = 14, 14 + 3 कितना हो गया, 17 यूनिट। तो एक दिन साथ में काम करेंगे तो 17 यूनिट काम होगा। आपको बोला जा रहा है कि कार्य शुरू होने के दो दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया,
अगर एक दिन में तीनों मिलकर 17 यूनिट काम करते हैं तो दो दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलेंगे 17 इंटू दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 17 दो 34, 34 यूनिट काम हो गया। टोटल काम था 84 यूनिट, काम कर लिया गया 34 यूनिट, तो बचा कितना, तो आप बोलेंगे 84 में से आप लेस कर दो जितना काम हो गया है। तो देखो 84 आपका दे रखा है, मैं माइनस करूँ 34, तो आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी बची, 50 यूनिट। ये 50 यूनिट जो है वो रिमेनिंग वर्क है। ए बी और सी तीनों काम कर रहे थे, इसमें से ए ने काम छोड़ दिया, तो ये बाकी जो शेष काम रह गया वो कौन करेगा, बी और सी। बी और सी दोनों मिलकर अगर एक दिन साथ में काम करते हैं तो ये बी करता है 6 यूनिट, सी करता है 3 यूनिट, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया भाई, 9 यूनिट। दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं तो 50 यूनिट में इनको कितना समय लगेगा, तो आप सीधा बोलेंगे कि 50 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 9 से, तो 9 × 5 = 45 बचेगा कितना, 5, और डिवाइड किस कर रहे हो, 9 से, तो आपका मान आएगा 5 से ही 5/9। लेकिन देखो आंसर में आपसे दो बातें पूछी जाती हैं, एक तो आपको ये बोला जाता है कि शेष काम में बी और सी को कितना समय लगा, तो आपका आंसर होगा 5 से ही 5/9। दूसरा आपसे ये पूछा जाता है कि काम में कुल कितना दिन लगे, तो 5 से ही 5/9 तो आपको लगे हैं 50 यूनिट में, लेकिन टोटल काम आपका 84 यूनिट था, 34 यूनिट काम आपने ऊपर किया, तो 34 यूनिट काम तीनों मिलकर कर रहे हैं, उनको कितने दिन लग रहे हैं, दो दिन, तो दो दिन को आप इसमें ऐड कर देंगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, तो आपका आंसर आएगा 7 से ही 5/9 दिन, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका माना जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सीधा बोलेंगे कि जितने दिन इन्होंने साथ में काम किया उसको आप वैल्यू से टोटल इनकी एफिशिएंसी का योग करके उन दिनों की संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जो है वो टोटल वर्क आ जाएगा जितना इन्होंने काम किया है। 84 यूनिट में से 34 यूनिट हो गया तो 50 यूनिट शेष बच गया। ए बी सी तीनों काम कर रहे थे, उसमें से ए ने काम छोड़ दिया, तो काम करेगा कौन, बी और सी। और आपको ये बोला जा रहा है कि बी और सी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 6 + 3 कितना हो गया, 9 यूनिट। शेष रिमेनिंग जो वर्क आपका दे रखा है वो 50 दे रखा है, 50 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका मान आएगा 5 से ही 5/9। ये 5 से ही 5/9 आपका आंसर तब आएगा जब आपसे ये पूछा जाए कि शेष काम में बी प्लस सी को कितना समय लगा, तो आपका आंसर ये है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि काम में कुल कितना समय लगा, तो 5 से ही 5/9 में आप दो दिन और ऐड करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 7 से ही 5/9। चलो एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, एक क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं अपन। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 12 दिन में, और सी उसी काम को करता है 15 दिन में। आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया तथा कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए ने और 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, काम में कुल कितना समय लगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को जो है वो अपन कैसे करें, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जो है वो ए बी और सी इन तीनों को जो दिन लग रहे हैं उन दिनों का आप एलसीएम लेंगे, वो आपका टोटल वर्क होगा, टोटल काम होगा। आप बोल रहे हो ए किसी काम को 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है 15 दिन में, तो तीनों मिलकर जो है वो इस काम को 3 दिन तक एक साथ करते हैं। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे, तो देखो 10, 12 और 15। अब एलसीएम लेने का एक तरीका अपन ने देखा कि एक गुणनखंड विधि थी जिससे अपन एलसीएम ले रहे थे, लेकिन उस विधि में आपको जो है या वो मेथड आप लेते हो तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप यहाँ पे एलसीएम जैसे आपकी वैल्यू दे रखी है 10, 12 और 15, इन तीनों वैल्यू का आपको एलसीएम लेना है, तो इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर आपको देखना है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दे रखा है भाई, 15 दे रखा है। आप एक बात बताएं, 15 जो है वो 10 का भाग 15 में पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा, इसका मतलब एलसीएम जो है वो अगर अपन 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 एलसीएम नहीं होगा, 15 का दुगुना करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 30, 30 जो है वो यहाँ पे 10 से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब 10 और 15 का एलसीएम तो आपका 30 हो गया, लेकिन 12 का भाग जो है वो 30 में नहीं जाएगा तो एलसीएम आपका 30 नहीं होगा। अगर मैं 15 का 3 गुना करूँ तो आपकी वैल्यू आएगी 45, 45 जो है वो 10 से भी नहीं कट रहा और 12 से भी पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब एलसीएम 45 भी नहीं होगा। उसके बाद 15 का 4 गुना होगा 60, देखो 60 जो है वो 10 से पूरा कटेगा और 12 से भी पूरा कट जाएगा तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो आप बोलेंगे कि टोटल आपका जो वर्क दिया हुआ है वो कितना यूनिट दिया हुआ है, 60 यूनिट। 60 यूनिट काम जो है वो ए 10 दिन में पूरा करता है, बी 12 दिन में पूरा करता है, और सी कितने दिन में, 15 दिन में। आपको जो है वो यहाँ पे ये बोला गया है कि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं
तथा कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो आप जो है वो यहाँ पे ये देखेंगे ए जो है वो 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60 को डिवाइड करेंगे आप 10 से तो कितने यूनिट आएगा भाई, 6 यूनिट। बी जो है वो 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60 को आप डिवाइड कर देंगे 12 से तो 5 बार डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे ये 5 यूनिट काम करेगा। और सी जो है वो 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, आप 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका मान आएगा 4 यूनिट। ये 6 यूनिट काम करता है, ये 5 यूनिट काम करता है, ये 4 यूनिट काम करता है, तीनों के एफिशिएंसी का अपन योग करें तो आप ये बोल देंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए काम करता है 6 यूनिट, बी काम करता है 5 यूनिट और सी काम करता है 4 यूनिट। अगर तीनों से एक दिन साथ में काम करवाया जाए तो 6 प्लस 5 11, 11 और 4 15 यूनिट, तो तीनों मिलकर जो है वो यहाँ पे 15 यूनिट काम एक दिन में पूरा करेंगे। आपको बोला जा रहा है कि ए बी और सी ने काम शुरू किया तथा कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो एक दिन में काम करेंगे 15 यूनिट, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 45 यूनिट काम हो गया। अब देखो टोटल काम 60 यूनिट था, 45 यूनिट काम इन्होंने कर लिया तो बचा 15 यूनिट। ए ने काम छोड़ दिया तो काम करेंगे कौन, बी और सी। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया तथा कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए ने और 4 दिन बाद बी ने। अब देखो बी 4 दिन बाद काम छोड़ रहा है, ए 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है, आपने ए बी सी का 3 दिन का काम ले लिया तो यहाँ पे बी का 3 दिन का काम भी इसमें शामिल हो गया, तो बी का काम जो है वो 1 दिन और बचा। तो आप बोल रहे हो कि चौथे दिन जो काम करेंगे वो बी और सी करेंगे दोनों, तो बी और सी दोनों चौथे दिन काम करेंगे तो ये बी तो काम करता है 5 यूनिट और सी काम करता है 4 यूनिट, तो 5 + 4 कितना हो गया, 9 यूनिट। तो आप बोलेंगे कि चौथे दिन जो काम होगा वो 9 यूनिट होगा एक दिन में, तो 45 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो आपका मान जो यहाँ पे आएगा वो 54 यूनिट हो जाएगा। और समय आपको लगा 3 + 1 कितने दिन हो गए, 4 दिन। 4 दिन में 54 यूनिट काम हो चुका, ए ने भी काम छोड़ दिया और बी ने भी काम छोड़ दिया। आप बताएं 60 में से 54 यूनिट काम हो चुका तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना, तो देखो 60 में से आप 54 घटाएंगे, आप लेस कर देंगे इसमें से, तो 60 में से आपने 54 घटा दिया तो कितना यूनिट बच गया भाई, 6 यूनिट बचा। आप बोल रहे हैं कि 6 यूनिट काम जो है वो यहाँ पे ए और बी के छोड़ने के बाद 6 यूनिट काम करना है, ए ने काम छोड़ दिया बी ने छोड़ दिया तो काम करेगा कौन, सी करेगा, और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट, तो 6 यूनिट में इसको कितना समय लगेगा, तो आप जो है वो 6 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका मान जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये 2 से आप काट दें इसको तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/2, और 3/2 को आप सोल्व करेंगे तो आपका मान आएगा 1/2। तो अब टोटल वर्क जो है वो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि 60 यूनिट दे रखा है, पहले आपने कर लिया 54 यूनिट जिसमें आपको लगे 4 दिन, और 6 यूनिट काम आपने किया तो उसमें आपको लग गया 1/2 दिन, तो टोटल आपका जो समय होगा वो आपका ये हो जाएगा 6 + 4 + 1/2, तो आप ऐड करेंगे तो 4 + 5 तो आपका मान आ जाएगा 5/2, ये आपका आंसर होगा, ये आपकी वैल्यू होगी। तो आप जो है वो यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसमें 2 तरीके के आपसे आंसर पूछे जा सकते हैं, ये मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, वापस आपको बोल दूँ, अगर आपको टोटल समय पूछा गया है तो आप इन सबको जोड़ देंगे, पहले वाले 4 दिन भी आपको ऐड करने हैं 1/2 टोटल आपको लेना है, तो 4 + 1/2 आपका मान आ गया 5/2। लेकिन कई बार आपसे ये पूछ देता है कि सी जो है वो शेष काम में कितने दिनों का समय ले रहा है, तो आप आंसर देंगे 1/2, ये आपका क्वेश्चन था। तो चलो दोस्तों ये टॉपिक में जो आपको क्वेश्चन समझाया गया है वो आपको क्वेश्चन कैसा लगा, इसके लिए आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हमारे जो है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद।